आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों राधे राधे, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में धर्मराज की कहानी सुनेंगे। मान्यता के अनुसार कार्तिक की सभी कथा कहानियों का फल तब ही प्राप्त होता है जब धर्मराज की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई नेम धर्म की पक्की थी और दान पुण्य भी बहुत करती थी। जिसका उसे पता लग जाता कि ये कार्य धर्म कर्म वाला है तो वह उसे अवश्य करती। एक समय आया जब धर्मराज के यमदूत उसे लेने पहुंच गए। यमदूत उसे लेकर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में गहरी नदी आई। जब उस नदी को पार करने का समय आया तो यमदूतों ने पूछा, माई गाय दान की थी क्या? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ मैंने दान की थी। उसके कहते ही गायें आ गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूछ पकड़कर नदी पार कर ली। आगे निकले तो यम के प्रति काले कुत्ते खाने को तैयार खड़े। यमदूतों ने पूछा, कभी कुत्तों को रोटी दी थी क्या? बुढ़िया माई ने अपने मन में कुत्तों को खिलाए गए अन्न का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे बढ़े तो कोए सिर में चोंच मारने को तैयार खड़े। यमदूतों ने पूछा, बुढ़िया माई ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया था? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, और ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौए चले गए। आगे गई तो रास्ते में कांटे बिछे मिले। उन्होंने पूछा, चप्पल का दान किया था? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे पहुंचे तो स्वर्ग के द्वार बंद पड़े। चित्रगुप्त ने पूछा, किसे लाए हो कि स्वर्ग के द्वार ही नहीं खुले? यहाँ तो वही आता है जिसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले। यमदूत बोले, बुढ़िया माई है, इसने बहुत दान पुण्य धर्म कर्म किया है लेकिन इसने धर्म राज्य का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद पड़े हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे 7 दिन का समय दे दो धरती पर जाने का। 7 दिनों तक मैं धर्म राज्य की कहानी सुन उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई को धरती पर वापस भेज दिया गया। बुढ़िया माई के आते ही सारे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धरकर आ गई है। जब वे अपने घर पहुंची तो बेटे बहू डर के कारण दरवाजा ना खोलें। तब उसने अपने बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज के कहे अनुसार वापिस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। तब बेटे ने दरवाजा खोला और माँ के कहे अनुसार पूजा और उद्यापन की सारी सामग्री एकत्रित कर माँ को दे दी। अब बुढ़िया माई नेम से कहानी कहती, बेटे बहू को सुनाती, पर उन्होंने कहानी सुनते हुए हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक कहानी सुनी, फिर उद्यापन कर सभी सामान दान कर दिया। 7 दिन बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, वो ही मेरे साथ जाएगी। सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और बुढ़िया माई को कहानी सुनाने को कहा। सबके आग्रह पर बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज की कहानी सुनाई। सब ने हुंकारा भरा और विमान पर बैठकर बुढ़िया माई के साथ स्वर्ग को गए। सबको देखकर धर्मराज जी बोले, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, सब कैसे आ गए? बुढ़िया माई ने कहा, मैंने आपकी कहानी सबको सुनाई, सब ने सुनकर हुंकारा भरा, इसलिए आधा पुण्य इनको भी मिलना चाहिए। तब धर्मराज जी ने सबको स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको स्वर्ग देना। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।